उजेंद्र रेस्टोरेंट संचालक के महावीर बाग कॉलोनी स्थित सुनील मकान में बदमाशों ने लाखों के जेवर सहित नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय रेस्टोरेंट संचालक दुकान पर था और पत्नी बच्चों के साथ सामान खरीदारी करने श्रीगंज गई थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर ज्वेलरी सहित नकदी ले गए। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। उधर नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर बाग कॉलोनी स्थित सुने मकान के ताले तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने लाखों के जेवर व नकदी रुपए चोरी कर लिए। इसकी रिपोर्ट नानाखेड़ा थाने में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बताया कि दिलीप उर्फ अन्नु मूलचंदानी निवासी महावीर बाग कॉलोनी दिलीप की पत्नी बच्चों के साथ सोमवार शाम श्रीगंज में सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान कॉलोनी की बिजली भी खुल गई। करीब 9 बजे रुपल मूलचंदानी घर लौटी तो देखा दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर में रखी 3 अलमारी भी खुली हुई थी। उसमें रखे सोने चांदी के करीब 5 लाख के जेवर एवं 25,000 रुपए नगद नहीं मिले। दिलीप के घर के पास विद्युत डीपी लगी हुई है जहां से पूरी कॉलोनी की लाइट बंद हो जाती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आशंका जताई कि चोरों ने डीपी में छेड़छाड़ कर बिजली बंद कर दी होगी। हालांकि नानाखेड़ा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और ये 7 बजे गए लगभग और ये आए 8:30-9 बजे। इनका आते से फ़ोन आया मेरे को कि अन्नु घर पे चोरी हो गई है। वो मैं जैसे आया भगा तो पूरा घर बिखरा हुआ था। अंदर 3-4 अलमारियाँ बिखरी हुई थी और करवा चौथ के लिए इन्होंने गोल्ड पूरा निकाला था लॉकर से पूरा, वो भी चले गया। जमा पूंजी थी 35-40 हज़ार रुपये मेरे थे, 20-25 हज़ार रुपये वाइफ के जमा करे हुए थे, बच्चों की गुल्लक सब ले गया सर वो, और चांदी का आइटम सब कुछ ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने एंट्री की किस तरीके से? एंट्री सर हमारा अनुमान है, वो पुलिस ने भी कल अनुमान निकाला है, यहाँ से रेलिंग से कूद के आए और रेलिंग से कूद के पीछे किचन वाला गेट इन्होंने तोड़ा, भीड़ का वो है वो एक हथौड़ी में टूट गया हो, और ताला भी था उसमें बहुत मोटा ताला था वो भी ले गए चले गए, ताला भी नहीं था उसमें, और वो सीधे अंदर गए रूम में और अंदर से ही उन्होंने वारदात करी और वहीं से चले गए।